सही होती है क्या? एंड दिस इज ऑल मैथमेटिकल, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट बिलीफ, तुक्का नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पर कोई। क्या पामिस्ट्री और कुंडली के प्रेडिक्शन सेम होते हैं? आई थिंक ज्योतिष इज द ओनली टूल जिससे हम ये ठोक के बोल सकते हैं कि व्यक्ति नौकरी करेगा तो नौकरी में सक्सेसफुल होगा, बिजनेस करेगा तो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। एस्ट्रोलॉजी में हम ये क्लियर कट पॉइंट आउट कर पाते हैं कि ये बच्चा किस चीज की पढ़ाई करेगा और इसका किस चीज के अंदर करियर है। जिसने कभी भी कोई भी स्कैम किया है पीछे, उन सबका वो स्कैम ओपन होने के लिए ये साल है 2024। मुझे पहले इन सब चीजों पर मुझे लगता था कि यार इंसान की चॉइस ही होती है कुछ चूज करना, बट मुझे नहीं पता था कि ज्योतिष भी ये सब बता सकता है। नमस्ते एंड हेलो, आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। वापस से हम बैठे हैं मिस्टर आलोक खंडेलवाल जी के साथ। आज भी हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आज की जनता के अंदर बहुत उत्पन्न होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि आज के लोगों को ये चीज़ों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि क्या होगा अगर, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर आलोक खंडेलवाल जी का अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आज मैं वापस आ चुकी हूँ वही कुछ जनरेशंस के क्वेश्चंस लेकर। बिल्कुल पूछिए। तो सर, एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एज फॉर अ किड टू डिसाइड व्हाट टू डू इन करियर, एंड इज इट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी? क्या उस छोटे बच्चे की कुंडली दिखा देनी चाहिए पहले से उसको बताने के लिए कि तुझे यही काम करना है या इसी फील्ड में जाना है? हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है ये डिसाइड करने के लिए कि एक व्यक्ति को किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर किस चीज़ में वो करियर करता है। तो आजकल दो तरीके की चीज़ें हैं, पहला है कि एक तो बच्चे की इच्छा, और दूसरा है कि स्कूल भी काफ़ी सारे काउंसलिंग सेशन कराते हैं, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। उससे उस व्यक्ति का, उस बच्चे का एटीट्यूड पता लगता है कि किस चीज़ में उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, किस चीज़ में उसकी लर्निंग अच्छी है। उसमें कई बार ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि कन्फ्यूजिंग है कि मैथ्स में भी अच्छा है, साइंस में भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा, आर्ट्स भी अच्छा कर लेता है, या फिर सभी में ख़राब है, राइट? वेयर एज एस्ट्रोलॉजी में हम ये क्लियर कट पॉइंट आउट कर पाते हैं कि ये बच्चा किस चीज़ की पढ़ाई करेगा और इसका किस चीज़ के अंदर करियर है। तो एस्ट्रोलॉजी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल नाउ डेज टू डिसाइड एजुकेशन एज वेल एज करियर। मेरे पास ही काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं और फिर हम बच्चे से ही बात करते हैं और एक मिलजुल के एक निर्णय करते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स हमारे पास आते हैं। हाँ। क्योंकि वो किसी व्यक्ति का क्या पढ़ाई है उसके हिसाब से उसको नौकरी तो मिल जाती है। नौकरी में काफ़ी सारे लोग, इंटरव्यू निकालना एक अलग बात है और नौकरी करना एक बिल्कुल अलग बात है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी पे भी निकल जाता है। इंटरव्यू में आप कितना जज कर सकते हो ना किसी को कि भाई मोटिवेटेड है नहीं है, उसका आगे का टाइम कैसा है, इसका फैमिली लाइफ कैसी है, कोई बेकार तो बोलेगा नहीं। तो फिर हम कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं कि उस व्यक्ति को किस चीज़ के लिए बेस्ट प्लैनेट है उसके हिसाब से उसको वो काम दिया जाए। जब जिस चीज़ का ग्रह आपका अच्छा है वो काम आप करते हो तो इट इज़ लाइक वेरी नेचुरल एंड ईजी हो जाता है। तो यस, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन करियर एज वेल एज इन एजुकेशन। एस्ट्रोलॉजी यूज़ करने से ये हो सकता है कि आप जो कभी कभी हम अपने जीवन में काफ़ी समय ख़राब कर देते हैं कि कुछ पढ़ा फिर कुछ किया, है ना, तो वो चीज़ से बचा जा सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और काफ़ी सारे जागरूक पेरेंट्स अपना बच्चे का सब्जेक्ट चयन करने से पहले किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते ही हैं। okay. ये मैंने देखा है होते हुए। मतलब अगर टाइम अपने को थोड़ा सेव करके अगर अपन एक कंसल्टेंसी ले ले तो हाँ, उससे वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। करेक्ट, टाइम वेस्ट होगा, मेहनत वेस्ट होगी, इन सब से अपन बच सकते हैं उस पॉइंट पे। सर, एक क्वेश्चन था कि क्या कुंडली सच्ची होती है, या ये कह लो कि ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों का एक क्वेश्चन था कि क्या कुंडली सही होती है, क्या इसके प्रेडिक्शन सही होते, या फिर अगर उसमें जैसे लिखा है कुंडली के अंदर कि आप बहुत पैसे कमाओगे तो वो पैसे कब आएंगे? हर दूसरा इंसान ये चीज़ जानना चाह रहा था कि कब ऐसा होगा कि मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव हो गया, क्योंकि कुंडली में लिखा है मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन आप डाउन्स आ रहे हैं, लाइफ अच्छी नहीं चल रही। तो ये भारत के सबसे पुरातन शास्त्रों में से एक है, राइट? अगर आप देखोगे तो ये वैदिक वेद से आता है
और वेद जो है वो इस दुनिया के अंदर, अब सभी लोग मानते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इंडियंस होना या हिंदू होना इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कि सबसे ज़्यादा नॉलेज का अगर कहीं भंडार है तो वो वेद में है, राइट। इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया की तीन चार चीज़ें जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती हैं, उसमें सबसे पहले IT है, फिर योगा है, आयुर्वेदा है और ज्योतिष है। ये चार चीज़ सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा फेमस है भारत की पूरे विश्व के अंदर। मैं पूरे वर्ल्ड में इधर उधर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से इंडियन एस्ट्रोलॉजर को या इंडियन योगा प्रैक्टिशनर पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, आयुर्वेदा वाले जाते हैं और IT वाले जाते हैं, जो ट्रीटमेंट मिलता है वो शायद कम किसी और प्रोफेशन को मिलता होगा, राइट। अब रही बात कि आपका जो प्रश्न है कुंडली सच होती, हाँ, इट इज़ ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट इज़ नॉट अ बिलीफ सिस्टम, इट इज़ अ परफेक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जब आप पैदा होते हैं तो उस समय ऊपर ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। अब ग्रह नक्षत्र जो घूम रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल ज्योतिषियों के लिए घूम रहे हैं, हाँ। वो तो नासा भी बोल रहा है कि घूम रहे हैं, हाँ। राइट, कि इस लैट लॉन्ग पे जुपिटर है पृथ्वी से, इस लैट लॉन्ग पे इस समय मंगल है, यहाँ पर है। आप काफ़ी सारी ऐप्स में देखेंगे जो सैटेलाइट बेस्ड ऐप है, हाँ। तो उसमें ग्रह नक्षत्र घूमते दिखते हैं। तो वो चूंकि पृथ्वी और जो विज्ञान का भी नियम है कि इस दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ पर प्रभाव डालती है, ऐसे ही ये ग्रह नक्षत्र हम पर प्रभाव डालते हैं। तो कुंडली तो 100% सत्य होती है। कुंडली देखने वाला हो सकता है कि इस लायक नहीं हो कि वो पूरी तरह प्रिडिक्ट कर पाए। अच्छा, सो इट इज़ अबाउट माय कैपेसिटी नॉट द शास्त्र। फॉर एग्जांपल विज्ञान के जितने प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल सत्य है, बट जो प्रयोग कर रहा है हो सकता है उसको जानकारी कम, राइट। तो इसलिए एक कंपनी कोई नया इन्वेंशन करती है, दूसरी उसमें फेल हो जाती है, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट द शास्त्र, इट इज़ अबाउट द पर्सन। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से अभी तक मिले हो कि जिन्होंने उनको ज्ञान पूरा नहीं हो, और ये ज्ञान है भी इतना बड़ा कि हर व्यक्ति की समस्या इतना आसान नहीं है कि आप एक जन्म में पूरा सीख सको। अब तीसरा प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि लाइफ कभी भी पूरी तरीके से स्मूथ और कभी भी पूरी तरीके से ख़राब नहीं चलती। हाँ। आपका महीना अगर आप पीछे रेट्रो करके देखोगे तो चार अच्छे इवेंट होते हैं, दो बुरे होते हैं, एक एवरेज होता है, बट हर समय पर लाइफ में एक फोकस होता है, राइट। हो सकता है ये महीना या ये साल आपका पूरा फोकस केवल आपके फैमिली पर, सो आप करियर को साइडलाइन कर दोगे। सो व्हेन आई लास्ट, तो आप बोलोगे कि अरे घर पे शादी थी तो, या मकान बन रहा था, पापा ने मुझे जिम्मेदारी दे दी, सो आई वाज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन दैट, इस साल मेरा करियर एवरेज रहा। हाँ। तो हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये कोई भी आदमी बोलेगा कि 10 out of 10 चल रहा है या 0 out of 10 चल रहा है। इट इज़ अबाउट किस चीज़ पर फोकस है आपका। चौथी बात जो है वो ये है कि जो पैसा है मान लो वो कब आए, राइट। तो पैसा है ये हो गई एक संभावना, वो कुंडली में दिखती है, राइट। इसका आपकी पढ़ाई लिखाई से भी कोई संबंध नहीं है। अच्छा। और ये रियल लाइफ में भी दिखता है भाई, ज़्यादातर बिलियनर तो ड्रॉप आउट से एग्जैक्टली। इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है, जो चीफ मिनिस्टर रह गए, कहीं मंत्री रह गए, वो अनपढ़ है, हाँ। राइट। सो पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं है पैसे नहीं का, राइट। वो पैसा आएगा कब ये दशा पे डिपेंड करता है। सो इट्स लाइक पॉसिबिलिटी एंड द टाइमिंग, व्हेन दीज टू थिंग्स मैचेस देन द थिंग्स हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो जिसके चार्ट में होता है उसको मिलता जरूर है, बट ऑब्वियसली वेटिंग टाइम मुश्किल होता है हर आदमी के लिए, किसी को जल्दी आ जाता है किसी का लेट। और फिर भगवान हमको भाग्यवादी नहीं बनाना चाहता, तो भगवान का प्रोसेस ये है और चार्ट का भी वही प्रोसेस रहता है कि अगर आपने कुछ पैसा कमाया तो आपको भी लगे कि आप उसको डिजर्व करते हो। सो इट्स लाइक कि आप बहुत मेहनत करते हो, सब कुछ अपने आप से बिल्ड करते हो, लर्न करते हो, देन यू डिजर्व इट, देन ओनली यू वुड बी एबल टू एंजॉय मनी। अगर आप अभी कुछ भी नहीं करते हो, आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो 100 करोड़ रुपए आप 3 साल में खत्म कर दो, पूरी यू डोंट डिजर्व दैट मनी, राइट, यू हैव नॉट अर्न इट। तो इसीलिए वो ऐसा दिखता है कि लेट हो रहा है या फिर आ क्यों नहीं रहा, पंडित जी ने तो कहा था, बट जब समय आता है तो ऑटोमेटिकली होता है, यस 100% होता है। And that happens with everyone, जिसके चार्ट में है। Okay. So, एक question है इसी के अंदर कि किसी का अगर newborn baby है and उसका timing नहीं मालूम है, like what's the birth time, they don't know the birth time, but they know the birth date and not the birth time. I don't know, maybe कुछ conditions हो जाती है कभी कभी। हाँ, काफी सारी। तो उसके अंदर क्या कुंडली बन सकती है? हाँ, तो दो तरीके की चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि कुंडली उसकी बन सकती है। अपने शास्त्र के अंदर कई तरीके की टेक्निक्स दी हैं। ये तो आपने नए बच्चे की बताई है। अगर कोई 50 साल का भी आदमी, उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, हाँ। है, टाइम तो छोड़ो, तो भी
वी कैन डराइव थ्रू इवेंट्स एंड देन देर आर टेक्निक्स कि उसका एग्जैक्टली बर्थ चार्ट बताए। भारत के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ज्योतिषी भी हुए हैं जिनको भगवान ने सिद्धि दी है कि वो आपका हाथ देखकर आपका पत्रिका बना देंगे। हाँ। राइट, उनको वो सिद्धि है, उन्होंने वो ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने कुछ एक दो शिष्य को ट्रांसफ़र की होगी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो चंद्र कुंडली बनती है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में सवा दो दिन रहता है, तो उसके हिसाब से फिर चंद्र कुंडली बनाकर भी हम उस बच्चे का भविष्य बता सकते हैं। ये सब भी नहीं होता है तो प्रश्न कुंडली बनती है, तो प्रश्न कुंडली में टाइम का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रश्न कुंडली हम अभी बना रहे हैं इस समय। अच्छा। तो अगर उस बच्चे से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो हम इस समय एक चार्ट बनाएंगे और उसका आंसर कर सकते हैं। सो इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इसमें छोड़ा गया है। एंड दिस इज ऑल मैथमेटिकल, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट बिलीफ, तुक्का नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पर कोई। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, नियम है जैसे विज्ञान में होते हैं, और वो नियम बार 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 रिपीट करते हैं जैसे विज्ञान में रिपीट करते हैं, तो ऐसा है। मतलब अगर कोई है जिनका कुंडली नहीं बना है तो दे कैन कंसल्ट, देर आर डिफरेंट मेथड जिनके थ्रू आपकी कुंडली भी बन सकती है। तो पीपल स्टे बैक की यार लाइफ के इवेंट्स कैसे मैनेज करेंगे, तो अब नो वन हैज़ टू वरी अबाउट इट, क्योंकि सबकी कुंडली बन सकती है, अलग अलग मेथड्स होती हैं जैसा अभी सर ने बताया है। तो सर एक क्वेश्चन था कि कैंसर राशि है, मतलब एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया ये जिन्होंने पूछा था कि उनकी कैंसर राशि है, तो राशि के हिसाब से क्या ये बता सकते हैं कि इंसान को बिजनेस करना है या जॉब? राशि हिंदू ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में राशि उसको कहते हैं जब आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन चंद्रमा आकाश में किस राशि में थे। अच्छा। एंड मून इज़ अ सिग्निफिकेटर ऑफ आर माइंड, एंड मून इज़ अ सिग्निफिकेटर ऑफ आर थॉट ऑल्सो, बिकॉज माइंड थॉट कम्स इन टू द माइंड, राइट। सो राशि के हिसाब से सबसे अच्छे तरीके से जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उस व्यक्ति का नेचर, उसका हेल्थ, उसका पसंद नापसंद, ये सब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये अकेला राशि के बेसिस पे नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। अच्छा। अगर कोई ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति से बचना चाहिए। ओके। क्योंकि आप नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे इसमें अकेला राशि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपकी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांशा कुंडली, दशांशा कुंडली, ऐसी चार तरीके की मिनिमम कुंडली है। फिर आप एक समय पर नौकरी कर सकते हैं, कुछ समय बाद बिजनेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग पहले बिजनेस करते हैं फिर बिजनेस बंद कर देते हैं फिर नौकरी करने चले जाते हैं। तो टाइमिंग, सो दशा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ज्योतिष इज द ओनली टूल जिससे हम ये ठोक के बोल सकते हैं कि व्यक्ति नौकरी करेगा तो नौकरी में सक्सेसफुल होगा, बिजनेस में नहीं हो सकता, या बिजनेस करेगा तो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। देर इज नो अदर वे टू बेसिकली प्रिडिक्ट दिस, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट हिट एंड ट्राई, बिजनेस किया नहीं चला या चल गया। बट ज्योतिष में सीधे सीधे प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, जिससे डिसाइड हो जाता है कि व्यक्ति के लिए नौकरी अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा। ओके। एंड पीपल मेक करोड्स इन नौकरी ऑल्सो, पीपल बिकम बैगर इन बिजनेस ऑल्सो। सो इट्स नॉट अबाउट कि नौकरी अच्छी है कि बिजनेस, बट आपको किस तरीके का आपका लाइफ का पैटर्न या जो भगवान ने आपके लिए डिसाइड किया वो कैसा, उसके हिसाब से प्रोफेशन चुनना अच्छा होता है। इजीली बता सकते हैं सभी ज्योतिषी, जिनको भी ज्योतिष आता है। मुझे मैं पहले इन सब चीज़ों पर मुझे लगता था कि यार इंसान की चॉइस ही होती है कुछ चूज करना, बट मुझे नहीं पता था कि ज्योतिष भी ये सब बता सकता है। 100%। अभी आपको मैं उदाहरण देता हूँ, अमिताभ बच्चन सदी के सबसे बड़े नायक हैं। हाँ। एंड ही उनसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर तो कोई नहीं, राइट। तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिस्पेक्टेड। उन्होंने कंपनी डाली फिल्म प्रोडक्शन की। हाँ। और बर्बाद हो गए। हाँ। तो वो व्यक्ति जो फिल्म का भगवान है। हाँ। वो फिल्म से रिलेटेड ये काम करके बर्बाद हो गया, राइट। यस। क्योंकि उनका नसीब में नहीं था वो, इसलिए मिस्टेक्स हुई हैं। जो प्रैक्टिकल लेवल पर जो भी दिख रहा है वो पिक्चरें फ्लॉप हो गई वो एक अलग बात है, बट देन ही केम बैक टू द नॉर्मल थिंग, वो आज फिर से सुपरस्टार है। तो भगवान उनसे वो ही कराना चाहता है। Okay. और वो तो एक स्टडी भी है कि उनने फिर ज्योतिषियों से कंसल्ट किया, फिर स्टोन्स पहने एंड देन ही केम बैक। सो एवरीबॉडी गोज टू एस्ट्रोलॉजर्स, बट चुपके से। ओके। चुपके से जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन इतनी ऐसे कर बात ही कर रहे हैं, तो मैं एक चीज जानना चाह रही थी कि
जैसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप यहाँ जाओगे तो आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा, आप यहाँ जाओगे तो आपके पास पैसे की बरकत हो जाती है, आप किसी मंदिर में जाओगे आपके सारे पाप धुल जाएंगे, तो क्या ये कितनी परसेंट तक सच है? मतलब हर धर्म स्थल का एक महत्व है। देखो आप किसी, आप अपने इस कमरे के अंदर मान लो यहाँ पर गंदगी पड़े रहने दो और वो गंदगी कई दिनों तक पड़े रहने दो, तो उसको फिर बाद में मान लो 3 महीने बाद आप क्लीन करो, उसके बावजूद भी उसमें से वो दुर्गंध निकलने में महीने भर तो लगेगा। ऐसे ही ये जो मंदिर हैं, देवालय हैं, गिरजाघर हैं, मस्जिद हैं, इनमें सैकड़ों हजारों सालों से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पवित्रता उसकी मेंटेन की गई है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि आपके घर की एनर्जी से या फिर बाहर की एनर्जी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हजारों लाखों लोग सालों से वहाँ पर आकर प्रार्थना ध्यान मंत्र जप कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप ऐसे स्थलों पर जाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल उस एनर्जी लेवल की तरफ शूट होता है, दैट्स व्हाई यू फील वेरी हैप्पी, राइट? तो वहाँ जाकर फायदा तो होता है और आपका सत्वा बढ़ता है, सत्वा बढ़कर आप कुछ भी प्रार्थना करते हो प्रार्थना पूरी हो जाती है, राइट? आपने देखा होगा हिंदुओं का भी ज़्यादातर जो बड़े तीर्थ स्थल है वो पहाड़ों पर है। क्यों पहाड़ों पर है? और आप पैदल जाते हो या किसी, जैसे आप वैष्णो देवी गए पैदल ही तो 17 किलोमीटर आप पैदल गए, तो तमस रजस सत्व, तमस और रजस चलते चलते कट जाता है, फिर जब 4-5 किलोमीटर रह जाते हैं तो आप क्या प्रार्थना करते हो? बस माता मैया बुला लें, राइट? क्यों? क्योंकि देन एंड देन फिर आपके दिमाग से कोई और थॉट नहीं रहता, बस आपको ये है कि किसी भी तरह वहाँ तक पहुँच जाओ, तो उस समय आप एक सात्विक स्टेज में वर्तमान में आ जाते हो और इतनी दूर जाते हो भगवान के सामने तो आंख बंद कर लेते हो। और मुश्किल से दर्शन कितने मिलते हैं? 3 सेकंड के। और उसमें भी आंख बंद कर लेते हो, फिर मन्नत कैसे पूरी हो जाती है? मैं यही राइट, तो मन्नत ऐसे पूरी हो जाती है कि वो जो आप तप करके आए हो और आप सत्व में, आपका रजस कट गया, तमस कट गया, आप इस समय बिल्कुल वर्तमान चरण में हो, सत्व में हो, सत्व से की गई कोई भी प्रार्थना तुरंत पूरी होती है। तो वो जो देवी वहां बैठी है वो तुरंत ब्लेस करती है आपको। तो ऐसे काफी सारे स्थल हैं और सभी धर्मों के हैं, सभी धर्मों के हैं, जिनका की सात्विक जो जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है, वहां पर जाके आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर लाखों लोग ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, तो इनसे 100% फर्क पड़ता है। ऐसा मैं तो नहीं मानता कि हाँ आप किस इंटेंट से जा रहे हो एक अलग बात है, राइट? आप केवल मौज मस्ती करने जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आप स्वर्ग में भी जाओ और आपको, आपका इंटेंट ही प्योर नहीं है तो आपको स्वर्ग भी नरक जैसा लगेगा, राइट? तो और सदियों से जो काम हो रहा है उसके पीछे कोई कारण होता है। अपने पूर्वज जो है बेवकूफ थे क्या? नहीं। जिनने हमको पैदा किया क्या वो मूर्ख हो सकते हैं? नहीं, राइट? और सभी धर्मों के तो नहीं हो सकते, तो कोई कारण है जिसकी वजह से, ये कारण ये है कि मंदिर मस्जिद या जो भी है चर्च है उनका एनर्जी आपकी एनर्जी से जब मैच करती है आपकी लाइफ आसान होती है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं, हम लोग जाते हैं और ये चीज़ मैं देखती हूँ कि फर्क, जेन्युइनली फर्क पड़ता है, बट मुझे हमेशा ये रहता था कि यार क्यों ऐसा, मतलब क्या है उन जगहों में इस तरह का, क्या होता है आसपास के, सब तरह के लोग होते हैं आसपास भी, लेकिन एक अलग तरह के भाव निकलते हैं उस जगह जाके। करेक्ट। और आप जब मंदिर से बाहर निकलते हो आप देखोगे आप थोड़ा हाई रहते हो, बहुत, कुछ लोगों का सिर दुखने लगता है, कुछ लोग आकर इतनी गहरी नींद सो जाते हैं, पूजा से उठो, हवन से उठो, आप उस दिन ज़्यादा भी खा लोगे और सो भी जाओगे तभी, इससे क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो ऊर्जा जो बढ़ रही है उन मंत्रोच्चारण से, वो दे आर मेकिंग यू रिलैक्स्ड, एंड समटाइम व्हेन आपका बॉडी लेवल ऐसा नहीं है कि आप उतनी एनर्जी बर्दाश्त कर सको तो आपका सर दुखने लगेगा। ओके। कि हाई हो गई एनर्जी उस स्थल पर, गए आपका बैटरी इतनी बड़ी नहीं है, सो देन मिसमैच हो गया, प्रभाव है उसका। इधर एक क्वेश्चन है कि इफ लाइक टू पीपल आर मैरिड एंड द बिहेवियर ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड इज नॉट गुड टुवर्ड्स हिज और हर इन लॉज, मतलब जो मैरिज कर ली है और बट उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, पहले जब पंडित जी को बताया तो देवर लाइक किया सब कुछ बहुत सॉर्टेड है, अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं रहा है फैमिली में, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो पंडित जी के पास में मैक्सिमम लोग ठप्पा लगवाने जाते हैं, ठीक है? आपने लड़का पसंद कर लिया, हाँ, लड़के की माँ बाप से बात हो गई, आपके माँ बाप से बात, सब कुछ सेट हो गया,
फिर किसी ने आपसे कहा कि आप पंडित जी को भी दिखा लो शादी कर रहे हो, तो अब पंडित जी उस समय प्रेशर में आ जाते हैं, भाई तुम तो अंगूठी तक पहना चुके हो, अब अगर आपको वो कुछ बोलेंगे कि ये तो डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है या इनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, तो विलन कौन बनेगा? पंडित जी। पंडित जी राइट, क्योंकि वो दो लड़का लड़की तो आपस में प्यार करते बहुत हैं खुश, या फिर प्यार नहीं करते तो दोनों परिवार अब एक दूसरे को डिसाइड कर चुके हैं करियर अच्छा हमारी जाति का है एक्स वाई सी। पंडित जी ने कहा था वाली बात में जवाब दे रहा हूँ कि शादी डिसाइड करने से पहले जाना चाहिए ज्योतिषी के पास। ओके, है ना, डिसाइड करने के बाद ही जाना चाहिए। तो हम जैसे हमारे पास जब लोग आते हैं, अब इंगेजमेंट करके आए, अब ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं किसी के उत्साह पर पानी डाल दूँ, शादी से पहले उनको बोल दूँ कि डिवोर्स हो जाएगा, तो वो कर्मा मुझे लगेगा क्योंकि पहले दिन से मैंने सीट डाल दिया। अगर वो हमसे उससे पहले मिलते कि भाई हम वी आर जस्ट गेटिंग इन टच विद दिस फैमिली, तो आप देख लो लड़का या लड़की का कैसा रहेगा, तो उस समय हम स्पष्ट ओपिनियन दे पाते हैं कि भाई ये गलत है ये सही है, या आप करो आगे बढ़ो कोई बात नहीं। दूसरा यस, ज्योतिषी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, ज्योतिषी भी गलती करते हैं, तो उस समय वो चीज़ें नहीं देख पाते राइट। और तीसरी चीज़ ये है कि जिसके चार्ट में दुख भोगना है वो तो भोगता ही भोगता है। आपका कर्मा है अगर मैरिज से रिलेटेड, आपका कर्मा है आपके सास ससुर से रिलेटेड, कि प्रॉबेबली हो सकता है लास्ट बर्थ में कुछ आपने गलत हाँ, किया हाँ, इस बर्थ में वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको वो चीज़ को फेस करना पड़ेगा। आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है उस चीज़ के लिए, ये आपका इंटेलिजेंस है कि आप उस चीज़ को रो रो के फेस करोगे, वीर की तरह फेस करोगे, कुछ प्रयोग करोगे, ध्यान करोगे, मंत्र करोगे, ताकि आप उस चीज़ को झेल पाओ और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। वहाँ आपका फ्री विल है, फ्री विल मेरी नज़र में केवल इतना ही है, बट अगर आपका कर्मा है तो वो करना पड़ता है। सो इट्स बेसिकली नॉट द फॉल्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि देखो जन्म मरण परण फिक्स है, हाँ। आपका किससे शादी होनी है ये ऑलमोस्ट फिक्स है राइट, क्योंकि आपके बच्चे फिक्स्ड है, हाँ। आप दो लोगों के थ्रू इस पृथ्वी पर कौन सी सोल आ रही है वो तो फिक्स है, कि किस वो किसको माँ बाप मान के आ रहा है। तो आप काफी सारी मैरिज में देखोगे कि शादी दोनों मिलते हैं अपने दे गेट अट्रैक्टेड, और जैसी बच्चा होता है शादी टूटने जैसी हो जाती है, क्योंकि नियति ने ये सोचा है कि भाई ये बच्चा आना इंपॉर्टेंट था इन दोनों के थ्रू, तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। एंड समटाइम व्हेन द गॉड वांट्स कि वो बच्चा बहुत अच्छा तरीके से नर्चर करे, अच्छे से रहे, उसका मन अच्छा बने, तो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते, बट बच्चे के कारण शादियाँ चलती हैं। और हिंदुस्तान में मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैक्सिमम शादियाँ बच्चों की वजह से चलती हैं, मैक्सिमम, कि भाई पति पत्नी हो सकता है एक दूसरे पर झगड़ा कर रहे हैं, बट ये बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा अगर हम सेपरेट होंगे, तो उसकी वजह से चलती है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैरिज का चीज़ है वो बहुत कुछ कार्मिक है। ओके, माता का जो संबंध है वो भी एक जन्म का बताया है, मैरिज का संबंध सात जन्म का है। हाँ। सात जन्म का संबंध मतलब क्या होता है? सात जन्म का संबंध मतलब कि आपका लास्ट बर्थ में जिससे सबसे स्ट्रॉन्ग कर्म का लेन देन है वो आपका पति या पत्नी बन के आता है। लेन देन अगर पॉजिटिव है, इफ यू वर पॉजिटिव दे वर ऑल्सो पॉजिटिव, यू विल एंजॉय अ वेरी गुड मैरिड लाइफ। अगर वो नेगेटिव है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका पति या पत्नी बन के आता है। ओके, इसीलिए वो फिर जीवन नर्क जैसा हो जाता है। और ज्योतिष में सप्तम स्थान से शादी देखते हैं, और सप्तम स्थान को मारक भी कहते हैं, यानी कि अगर मैरिज आपकी खराब हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता, मृत्यु तुल्य कष्ट है ये, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। आप बाहर कुछ भी करके आ रहे हो, अंदर घर में कलेश हो रहा है, हाँ। चे पे हो रही है, तो देन यू सेड कि मैं बाहर जो भी जीत के आ रहा हूँ उसका मुझे फायदा क्या हो रहा है राइट, सो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिस्टर्बेंस, बट इट इज एक्चुअली कार्मिक। तो वो व्यक्ति जो आपको धोखा दुख दे रहा है एक्चुअली उसका उतना गलती नहीं है, क्योंकि ये आप दोनों का आपस का, अब आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए वापस तो देने पड़ते हैं, बट वो व्यक्ति तो विलन लगता है उस समय, बट अगर आप गहरे तल पे देखें, और जो ज्योतिष हमें सिखाता भी है कि वो आता लास्ट बर्थ से है, तो इसका कुछ थोड़ा हैवी है बात आपके ऑडियंस के लिए हो सकता है, बट है ऐसा ही। क्या इसका कोई सॉल्यूशन? क्यों नहीं है सॉल्यूशन? आपको पैर में जब चोट लग जाती है तो आप पे दो सॉल्यूशन है, एक कि ये चोट अपने आप हील हो जाएगी, जब तक दर्द होगा तब तक मैं दर्द सह लूंगा या फिर मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगा दवाई लूंगा। तो कर्म का दो तरीके हैं, या तो आप उसको भोगो पूरा राइट, या फिर आप कुछ उपचार करो, ध्यान करो, मंत्र करो, थोड़ा पूजा पाठ करो, अपना आचरण ठीक रखो, अवेयरनेस में रहो,
कि यार ये मेरा ही है जो मुझे वापस मिल रहा है, हाँ। तो वो जल्दी गिर जाता है। ओके। तो घटना आपके हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। अगर घटना को एक्सेप्ट करोगे तो शायद चीजें नॉर्मल हो जाए। okay, बिल्कुल। अब आप देखो कि किसी घर में पिताजी का देहांत हो जाता है, ठीक है, उस घर में दो बच्चे हैं, हाँ। दोनों के लिए इवेंट सेम है, हाँ। कि पिताजी नहीं रहे, एक डिप्रेशन में चला जाता है और परिवार के लिए लायबिलिटी बन जाता है, और एक उसी समय वीर हो जाता है, पूरे परिवार को संभालता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, हाँ। तो घटना तो एक है, रिस्पॉन्स दो अलग 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 है। सो आपके पास फ्री विल जो है वो रिस्पॉन्स की घटना की नहीं। दैट्स वाई अपना संस्कृति के अंदर क्या पूरा आज आप क्या कर रहे हो इस पे पूरा फोकस है, पूरा आपका बोलते हैं कि आज जो करोगे वही आपका कल बन कर आएगा, और उस पे फोकस है ना पूरा कि आज तुम जल्दी उठो, आज सात्विक कराओ, हाँ। आज आचरण अच्छा रखो, पिछला जो है वो तो चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। सो व्हेन यू आर लाइट, आप सात्विक हो तो आप कोई भी चीज को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे, कर पाओगे, वैसा है। बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर फील कर सकती हूँ, लाइक एक बहुत अलग वाइब्रेशंस है इधर बैठ के आपसे बात करते टाइम, मुझे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन है इसमें कि क्या पामिस्ट्री और कुंडली के प्रेडिक्शन सेम होते हैं? हाँ, पामिस्ट्री और कुंडली दोनों विज्ञान एक ही है। देखो इन सब की संतान, ये सब ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजी की संतान है, राइट। सो पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिष हो, ये एक ही ट्री है, दोनों के तकनीकें अलग अलग हैं। बट अगर आप इसमें बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड है वो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है। पामिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जब किसी का चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो आप हाथ से देख के बता सकते हो। और दोनों में अगर अच्छा पामिस्ट है तो दोनों का एक्यूरेसी लेवल ऑलमोस्ट सेम है। बट जो जो बातें आप ज्योतिष से बता सकते हो, छोटी छोटी बातें भी, जैसे मान लो आपने बोला कि मेरी घड़ी खो गई, मेरी घड़ी मिल जाएगी क्या, राइट, आपकी अभी घड़ी खो जाए तो वो हम ज्योतिष से बता सकते हैं मिलेगी नहीं मिलेगी, अलमारी में मिल जाएगी, चोर ले गया, व्हाटएवर। वो ऐसे प्रश्न पामिस्ट्री से आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जो ब्रॉडर लाइफ है आपका, बड़ा जीवन है, वो बहुत ही आसानी से, इट्स ऑलमोस्ट सेम। क्या कुंडली से फैमिली प्लानिंग समझ आ सकती है? तो फैमिली प्लानिंग मतलब कि आप कब बच्चा पैदा करना चाहते हो? नहीं नहीं, तो कि हाँ बच्चा होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, क्या अगर बेबी होता है तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरा इस पे जवाब ये है कि इस विश्व में केवल एक ही शास्त्र है और एक ही तकनीक है जिसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, लड़का होगा, होने से पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। वो बच्चा 8 साल का है उसका हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। ओके। जिसकी खुद उम्र 8 साल की है या 1 साल की है या फिर 10 दिन की है, उसके प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं कि ये कब पिता बनेगा, इसके लड़का होगा, लड़की होगी, कितनी तारीख को होगी, कितने बच्चे होंगे, ये सब पता लगा जा सकता है। एग्जैक्टली। इसमें कोई टेंटेटिव नहीं। इनफैक्ट जब आपको मेडिकल डॉक्टर भी ये बोलता है तो वो आपको वीक में बात करता है, राइट, 9th मंथ में अब कभी भी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो सकती है। वेयर एज ज्योतिष के थ्रू हम एग्जैक्टली डेट पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इतनी तारीख को ही होगी। डॉक्टर ने एक वीक दिया, राइट, और हम उस वीक में से डेट बता, हम तो पहले भी मतलब सभी ज्योतिषी में नहीं, जिनको ज्योतिष आता है, तो वीक डे बता सकते हैं कि इतनी तारीख को ही बच्चा होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। जब आप कंसीव करने का कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि सब कुछ नॉर्मल है, दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स इज ओके, बट बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, एंड देन यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है एवरीथिंग इज ओके, यू ट्राई और मे बी यू कैन टेक सम मेडिसिंस, ये वो। बट ज्योतिष ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि बच्चा कंसीव कब होगा, आप उससे पहले कुछ भी कर लो नहीं होगा, जो मर्जी करो नहीं होगा, इवन IVF से भी नहीं होगा। ओके। IVF करा लो, व्हाटएवर, जो भी नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि जब वो समय आएगा तभी होगा, जब उसको दशा, दोनों पति और पत्नी को दशा, अंतरदशा मिलेगी, ट्रांजिट मिलेगा, उसी समय एक सोल डिसाइड करेगी कि मुझे इस माँ के गर्भ में आना है, तभी होगा। इट्स सो एक्यूरेट इन दिस टर्म, स्पेशली संतान के केस में तो ज्योतिष इज सुपर। और बच्चा कैसा होगा, कैसी सोल होगी, हाँ। उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, ये तो मेडिकल भी बताता है, हाँ, बच्चा का इसका झड़कन नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, दे कैन टेल यू एवरीथिंग कि भाई इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ा हो गया,
हाँ वो ज्योतिष भी बता सकता है। ओके और अच्छी संतान पैदा होने के बाद भी वो कपूत निकलेगा कि सपूत निकलेगा ये कौन बताएगा आपको, ज्योतिष ये भी ज्योतिष बता बताता सकता है है। यस कि ओके इसका आपको संतान सुख है कि नहीं है, ये संतान जो आपने पैदा की जिसके लिए आप अपनी पूरी पूरे जीवन को समर्पित कर रहे हो, ये संतान आपको सुख देने आई है कि दुख देने आई है, ये भी बताया जा सकता है बहुत इजीली इजीली। इजीली। ओके दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंस, इट इज द मदर ऑफ ऑल साइंस। जो डॉक्टर्स नहीं बता सकते वो अच्छे ज्योतिषी बता सकते, अच्छे हाँ है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि, और मैं अपनी भी बात हम्बलनेस से ही कर रहा हूँ है ना, हाँ क्योंकि भारत तो इतने बड़े बड़े ज्योतिषियों का देश है कि जिनको जिनको हॉरोस्कोप की आवश्यकता नहीं है, हाँ वो सिर्फ देख फेस रीड करके फेस बता नहीं सकते। मतलब आप सामने बैठोगे वो आपको बता देंगे कि आपका जन्म कब हुआ, आपका कौन सा ग्रह कहाँ पर है और आप क्या करते हो, दे डोंट नीड द हॉरोस्कोप, बिकॉज ज्योतिष जब हम करते हैं सो इट्स अ पैटर्न ऑफ स्टडी प्लस साधना, जो आप इसमें गहरे डूबते जाते हैं उनको कुछ समय बाद कुंडली का आवश्यकता नहीं पड़ती, दे विल सिंपली प्रेडिक्टेड, सो इट्स अ बेसिकली अ सिद्धि ओके है ना, तो इसीलिए ये सुपर साइंस है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा जो कि आपको लगता है कि इससे तो बता ही नहीं सकते, वो एक नया ज्योतिषी भी चुटकी में बता सकता है, ओके नया ज्योतिषी। ये मैंने कुछ नया जाना है बिकॉज आई वॉज मैंने क्या बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये तो ये पता भी नहीं होगा कि ज्योतिष से इतना कुछ भी पता लगाया जा अरे सकता मैं है। आपको एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, अब भारत में आजकल तो सीजेरियन ऑपरेशंस होते हैं ज़्यादातर, तो 90% तो आप मानेंगे नहीं कि सभी डॉक्टर्स ही माँ बाप को ये बोलते हैं कि आप जो चीज़ से मुहूर्त निकलवा लो, वो ऑपरेशन कब होना है, राइट? आई मीन देयर सो मेनी पीपल हु विल कम कि डॉक्टर नहीं बोला है, राइट? डॉक्टर भी कुछ डॉक्टर जो विश्वास करते हैं कुछ नहीं करते, बट जो पेरेंट्स विश्वास करते हैं वो फिर जोशियों के पास आते हैं कि भाई सीजेरियन ऑपरेशन होना है, अब सीजेरियन ऑपरेशन हम किस दिन कराएं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, हालांकि हम उसमें केवल निमित्त मात्र है क्योंकि हम उसका भाग्य नहीं बदल सकते, भाग्य नहीं बदल तो बच्चा सकते। जिस दिन पृथ्वी पर आना उसी दिन आएगा, हाँ मैं अगर आज का टाइम दे दूँ उसको नहीं आना है नहीं वो नहीं आएगा। आएगा, राइट? बट स्टिल वी हैव अ टेक्निक, हमारे पास टूल तो है जो कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स भी कुछ तो मानते ही हैं और लोगों को बोलते हैं कि लेकर आओ और उस हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं। बहुत वो लग रहा है मुझे एक सब देख ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा लग ओवरवेलमिंग है क्योंकि आधे ज्यादा चीजें मैं ना मुझे पता थी, आधी रहा चीजों पे मैं सोचती थी कि यार ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन अब अगर जब मैं सुन रही हूँ बात कर रही हूँ तब मुझे समझ आ रहा है कि कितनी सारी चीजें होती है और सबके आसपास चीजें रिवॉल्व करती है। सर मैंने एक वीडियो तो आपका एसच यूट्यूब पे देखा भी था कि हाउ ईयर इज गोइंग टू बी फॉर द जोडियाक साइंस, बट स्टिल पीपल लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर आप एक वन वर्ड्स में या दो तीन वर्ड्स में बता सके कि जो राशियां हैं या जो साइंस है उनका किस तरह का साल रहेगा 2024। 2024, अब ऐसा तो इस क्वेश्चन में सबके लिए अलग अलग कहाँ से बताऊँ, बट ये है कि 2024 में वेल्थ वाइज तो ये ठीक है ऑलमोस्ट सबके लिए ठीक है, करियर वाइज ये ठीक है, बट यस ये साल मैं यूँ बहुत अच्छा नहीं है फॉर हार्मनी के लिए, अच्छा नहीं है, कुछ दंगे वंगे हो सकते हैं, लोग मर सकते हैं, युद्ध वुद्ध हो सकते हैं, बाकी मेहनत करने वालों के लिए ये साल अच्छा है, जिसने कभी भी कोई भी स्कैम किया है पीछे उन सब का वो स्कैम ओपन होने के लिए ये साल है 2024, राइट? हाँ सो और ये साल जिस जो आदमी अपना डिसिप्लिन से और मेहनत से काम करेगा वो उसको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल सैटर्न का जो पोजीशन है इस साल वो स्वराशि है, राइट? सो जब भी शनि स्वराशि होते हैं तो सैटर्न इज न्यायाधीश ऑल्सो, न्याय के भी देखता है वो, तो हिसाब किताब होते हैं लोग, और शनि तो किसी का नहीं सुनते, तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो जिन लोगों के हिसाब होने उनके हिसाब होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी बुरे होंगे। भी होंगे, और इसको अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर आप इस साल को जोड़ोगे तो भी नंबर जो है वो 8 है आठ जो शनि का नंबर है, ओके तो शनि जो है वो वेल्थ के मालिक है काल पुरुष के चार्ट में, तो जो मेहनत कर रहा है उसको पैसे मिलेंगे, और जो नहीं कर रहा नहीं कर वो रहा उसको डंडा मिलेगा, ये भी वैसा ठीक है। है। तो राइट नाउ आई गेस दिस वर द फ्यू क्वेश्चंस विद मी जो मैं सर से पूछना चाह रही थी, बट
मैं चाहती हूँ कि एक पॉडकास्ट अपन साथ में और करें कुछ नए प्रश्नों के साथ लोगों के. हाँ, मतलब आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है आप मेरा बहुत बड़ा काम सॉर्ट कर रही हो, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं तो जवाब नहीं दे पाता. हाँ, तो अब मेरे लिए तो अच्छा है कि कोई मुझसे पूछ ले. हाँ, बिकॉज जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो ये जानते हैं कि भाई मैं वैसे वीडियो नहीं बना पाता हूँ. बिल्कुल कि मैं सामने कैमरा रखकर और मैं वीडियो बोलूं. हाँ, वो आई एम नॉट, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टर. या राइट, सो आई एम जस्ट, सो आई नीड समबडी टू आस्क मी आस्क क्वेश्चन. तो आप मुझसे जो पूछ रही हो उससे मुझे तो बड़ा आसानी है कि आप बोलोगे तो मैं तो चार और पॉडकास्ट कर लूंगा. बिकॉज दिस इज इजी फॉर मी. Yeah, so I would love to meet you again on a new podcast sitting next to me, जिसके अंदर फिर से कुछ इस तरह के questions आपसे पूछेंगे, फिर से कुछ नई चीजें आपसे जानूंगी, एक नया aura create करूंगी. बिल्कुल ठीक है. तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस थे ये सिर्फ मेरे नहीं, जिन्होंने पूछे उनके लिए नहीं, बट आधे से ज़्यादा लोगों के, इंडिया पूरे वर्ल्ड के लोगों के क्वेश्चंस थे. तो आई होप सबको उनके क्वेश्चंस का जवाब मिला होगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. थैंक यू.